अब तक हम आपको लेकर गए हैं महादेव के एक से एक पूजनीय स्थल पे, लेकिन आज हम आपको लेकर जा रहे हैं विष्णु भगवान के आठवें अवतार स्वयं श्री कृष्ण जी के ऐसे मंदिर पे जो दुनिया की सबसे ऊंची जगह है। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं युला कांडा। At last, I made it to the highest temple of Lord Krishna in the world. जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया, हम दिल्ली से नारकंडा आए और हमने नारकंडा में हाटू पीक और तानीजुबर लेक आपको दिखाए। अब अगले दिन की शुरुआत हमने नारकंडा से की। अगले दिन की सुबह हुई बेहद खूबसूरत नज़ारों के साथ हम रुके थे नारकंडा में होटल माउंट व्यू में। यहाँ से सनराइज आपको डायरेक्टली हाटू पीक के ऊपर से नज़र आता है और वो बेहद खूबसूरत होता है। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए किन्नौर के लिए। नारकंडा के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क पड़ेगा वो है रामपुर बुशर, और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको सतलुज के बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये रास्ता करीब 2 घंटे का है। आगे हम चलते हैं किन्नौर के लिए, और किन्नौर का फेमस लैंडमार्क वो है टांडा ढाक, उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। जितना ये खूबसूरत है उतना ही ये डरावना और काफ़ी पॉपुलर भी। ये रोड जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं NH5, और ये मॉनसून में काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अभी आप लोगों ने किन्नौर की खबरें न्यूज़ में सुनी ही होंगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, इसलिए मॉनसून में इस रास्ते को अवॉइड करना चाहिए। इस ट्रैक के लिए हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप रुकिए टापरी गांव में, जो इसी नेशनल हाईवे पे आगे पड़ता है। ये रामपुर बुशर से करीब 2 घंटे की दूरी पर है। एट लास्ट आई हैव रीच्ड टापरी, और यहाँ पर हम रुके हुए हैं होटल प्रभागम में, जो यहाँ का सबसे बेस्ट होटल है। सनराइज भी हो चुका है, तो अभी हम लोगों का प्लान है, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम अपना हाइक स्टार्ट करेंगे फॉर द हाइएस्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द वर्ल्ड। यहाँ पर मेरा एक लोकल फ्रेंड है, उसने हमारे लिए एक लोकल गाइड कर दिया है युला विलेज से, क्योंकि वहीं से ये ट्रैक शुरू होने वाला है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, ड्रोन हो चुका है रेडी और हम भी हो चुके हैं रेडी। सुबह का बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चल पड़े अपने फर्स्ट पड़ाव के लिए, जो कि था बेस कैंप युला गाँव। एक और बात, अगर आप इस होटल में रुकते हैं तो यहाँ के वेज सैंडविचेस जरूर ट्राई कीजिए। So we guys have just started our journey and we are super excited. This is Sunny bhai, he's a local guy aur wohi help kar rahe hain hamari is trip mein. Aap yahan par aaye to inki help, he is from Sangla. Hame abhi jana hai Yulla, ye tapri se 30 minutes ka run hai wahan se, aur fir uske baad hum apni hike shuru karne wale hain. Agar aap log apne personal vehicle se nahi aa rahe hain to aap Delhi se ya fir Shimla se koi bhi Reckonpio ki bus lekar टापरी गांव उतर सकते हैं, और यहां से आपको करना पड़ेगा एक कैब या गाड़ी जो आपको लेके जाएगी युला गांव। अभी ये सामने वाला रास्ता जो है ये आगे सांगला कल्पा को चला जाएगा, स्पीति को, और हमें जाना है यहां पर। तो अभी हम इसको थोड़ा एडवेंचरस करने वाले हैं, हम करेंगे ट्रिप शुरू ऐसे। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग देयर, दिस क्रेजी राइड। युला खास से पहले पड़ता है एक गांव जिसे बोलते हैं उड़नी। आप इस ट्रैक को वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से जो ग्रेडियंट है वो काफी स्टीप है, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप प्रॉपर युला खास तक जाइए और वहां से इस ट्रैक को शुरू कीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि इस ट्रैक को करने का बेस्ट टाइम क्या है। इस ट्रैक को आप मिड मई मंथ से लेके मिड अक्टूबर तक कर सकते हैं, हालांकि हम रेकमेंड करेंगे कि मॉनसून के टाइम आप अवॉइड कीजिए। हमने ये ट्रैक किया था दिसंबर के मंथ में। वाओ, सो हमारी गाड़ी जाएगी बस यहीं तक, और यहाँ से आगे जाके हमें हाइक करना है विलेज तक के लिए। तो अभी थोड़ा हम लोग सेटल हो जाते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग गई हमें,
क्योंकि हम राइड हम करके आए हैं बुलेरो में, पीछे हम लोग खड़े थे। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाउ आर यू फीलिंग नूर? दीपक भाई कैसा लग रहा है? वेरी एक्साइटेड। सामने स्नो गैप्ड माउंटेन्स हैं और हम लोग बिल्कुल बेस से आए हैं। जहां हमने गाड़ी पार्क की वहां से युल्ला विलेज के लिए करीब 10 मिनट लगते हैं। सुबह के 9:30 बजे थे और बेहद खूबसूरत धूप खिली हुई थी। Here is our guide. He's Ashish. Hey Ashish. तो आशीष हमें लेके जाएंगे दुनिया के सबसे ऊंचे श्री कृष्ण जी के टेंपल पर। दीपक पहली बार किसी ऐसी जगह आ रहे हैं और दीपक बहुत ही खुश है। दीपक भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? जिंदगी में लग रहा है मैं जिंदा हुआ हूँ। सामने जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो युल्ला विलेज का स्कूल है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग जाता है बच्चों को युल्ला विलेज से स्कूल तक पहुँचने में। तो पहाड़ों से व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा सुंदर होते ही हैं, लेकिन लाइफ यहाँ पर उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। अभी तो चलो स्नो वगैरह नहीं गिरी हुई, लेकिन स्नो में कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता होगा सबके लिए यहाँ तक पहुँचना। सामने एक वाटरफॉल है जो फ्रोजन हो चुका है। अभी आशीष जो हमारा गाइड है वो हमें बता रहा था कि आप उस वाटरफॉल तक भी जा सकते हैं, मतलब ऊपर तक हाइक कर सकते हैं, लेकिन अभी स्नोफॉल जो है वो ज़्यादा नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर है वो अभी पक्का नहीं हुआ है, तो चलना उस पर सेफ नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं हम। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक के बारे में। ये ट्रैक पड़ता है आपका किन्नौर की रोरा वैली के अंदर। ट्रैक की टोटल लेंथ है 12 किलोमीटर अगर आप इसको शुरू करते हैं युल्ला गांव से। तो ट्रैक की डिफिकल्टी पड़ती है मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के बीच में। अभी हमें सीधा ही जाना है, अभी थोड़ा प्लेन एरिया आ चुका है, लेकिन आगे फिर हमें क्लाइंब अप ही करना है। तो ये जो युल्ला कांडा का ट्रैक है ये इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस लेक को बनाया था और ये श्री कृष्ण जी के लिए डेडिकेटेड है और यहाँ पे एक बेहद खूबसूरत मंदिर है ऊपर। हाँ जी जय श्री कृष्ण। हालांकि हम इसको दिसंबर के महीने में कर रहे हैं और यहाँ पे एक बार बर्फ गिर चुकी थी, पर अगर आप चारों तरफ की ब्यूटी को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ग्रीनरी के टाइम ये ट्रैक कितना खूबसूरत होता होगा। जन्माष्टमी के टाइम मंदिर खुलता है और उसी टाइम कैंपिंग अलाउड होती है। इस रास्ते में कुछ कॉटेजेस वगैरह हैं, घर हैं लोगों के। तो हम आपको बता दें कि ये ट्रैक आप अपने आप नहीं कर सकते हैं, आपको एक लोकल गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। रास्ते ऊपर जाते जाते मल्टी डायरेक्शनल हो जाते हैं और गुमराह होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, तो यहाँ से गांव से किसी लोकल इंसान को लेकर ऊपर ज़रूर जाएं। अब बात कर लेते हैं खाने पीने के बारे में और कैंपिंग के बारे में। तो पहले आपको खाने के बारे में बता दें कि पूरे रास्ते पे आपको एक भी शॉप नहीं मिलेगी, तो आप अपने सहारे हैं, अपने खाने पीने का इंतज़ाम अपने हिसाब से लेकर आइए। 12 किलोमीटर का ट्रैक है, काफ़ी लंबा है, कितना आपको कैरी करना है वो आप देखेंगे क्योंकि ये ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जाता है ऊपर जाके, तो आपको अपने आप को लाइट भी रखना है। आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है, 6 किलोमीटर्स अभी बचा हुआ है। सो अगर इस हाइक के लिए विंटर में प्लान कर रहे हैं तो विंटर शूज जरूर पहन के आए, अदरवाइज फिसलने का डर रहता है। ट्रैक का जो इनिशियल पैच है वो देवदार पाइन के फॉरेस्ट के बीच से निकलते जाता है और खुलता है बहुत ही खूबसूरत मीडोज के बीच में। हम लोग अभी क्योंकि काफ़ी ड्राई मौसम के अंदर है तो आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, पर ये पूरा का पूरा एरिया काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। अभी हम लोगों का 3 किलोमीटर्स का ट्रेल बचा हुआ है, 9 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिया है और टाइम हो गया है 1:10।
और ये ट्रेल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर ये सारे भोजपत्र के पेड़ हैं, जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं। आशीष बता रहा था कि कुछ बाबा यहाँ घूम रहे थे जो इन पेड़ों की छाल को यूज करते हैं। हम आपको बता दें कि अगर अपने साथ आप लोकल गाइड ले जाएंगे तो उसके चार्जेस 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ेंगे आपको। और अगर आप साथ में पोर्टर ले जाते हैं सामान उठाने के लिए या फिर कुक या फिर और कुछ हेल्प ले जाते हैं तो उसके चार्जेस सेपरेट होंगे, जो कि सेम रेंज में ही आते हैं। इस मंदिर की हाइट करीब 12,200 फीट है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे हमें प्रोमिनेंट स्टोन मिलने लग गई। शी इज पारुल, वेलकम टू इंद्रकांडा एंड दिस इज सनी भाई। सो सनी भाई के साथ हम और भी ट्रैक्स करने वाले हैं ऑफ बीट। जहाँ देखो हेलो वहाँ स्नो ही स्नो है। सो नाउ वी हैव रीच द एंट्री गेट फॉर द टेम्पल। जय श्री कृष्णा। स्नो ही स्नो है यहाँ पर, शूज में भी घुस गई है मेरे। मंदिर का गेट देखकर हमें लगा कि हम बस पहुंच गए, लेकिन आपको बता दे कि यहाँ से ट्रैक का सबसे डिफिकल्ट लेवल एक्चुअली में शुरू हुआ था और हमें अंदाजा भी नहीं था कि आगे कितना मुश्किल रास्ता हमारा इंतजार कर रहा है। अब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और यहाँ सब कुछ जमा हुआ है। और बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है यहाँ से। शाम के करीब 3:30 बजे थे और हर एक कदम के साथ यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही थी। ये नज़ारा किसी को भी पागल कर सकता है। सामने वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है जिस पर बर्फ नहीं है वो पीक है और मुझे वहां तक जाना है, तो चलो चलते हैं। जय श्री कृष्णा। यहाँ पर ये कुछ पैर के निशान मिले हैं जो कि किसी इंसान के नहीं है। क्योंकि इस ट्रेल पर कोई भी नहीं आता है और आशीष हमें बता रहा था कि यहाँ स्नो लेपर्ड भालू मिलते रहते हैं। इस मंदिर की हाइट करीब 12,200 फीट है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे हमें प्रोमिनेंट स्नो मिलने लग गई। 7 घंटे के काफी मुश्किल सफर के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए इस मंदिर में। At last, I made it to the highest temple of Lord Krishna in the world. And just look at the spectacular view from this place. Wow! हम आपको बता नहीं सकते हैं कि नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मानो शरीर की सारी थकान हमारे लिए गायब हो गई थी। लेकिन साथ में ही जैसे कि आप देख सकते हैं सूर्यास्त के हम काफ़ी करीब थे, सूरज की किरणें आप बिल्कुल नहीं थी, तो ठंड का अंदाज़ा हम आपको बता नहीं सकते हैं। यहाँ पास में ही थोड़ा सा आगे चल के आपको मिलेगी पांडवों की खेती, जैसा हमने आपको आदि कैलाश में दिखाया था। जैसे धान था वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जहाँ पे पांडव रहे हैं वहाँ पे प्रोमिनेंट लैंडमार्क रहा है। अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है तो इन लोगों का कॉन्टैक्ट मैं आपको छोड़ दूंगा, मुझसे कॉन्टैक्ट ले लीजिए और इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही ओबिट प्लेस है, लोग यहाँ पर आते ही नहीं हैं, बट मेक श्योर जब आप यहाँ पर आए तो ये इस जगह की जो कस्टम है उसको मेनटेन करके रखें और यहाँ पर कूड़ा करकट बिल्कुल ना फैलाएँ। सो अभी मैं यहाँ का एरियल शॉट लेने वाला हूँ, ड्रोन में लेके आया हूँ, देखता हूँ वो उड़ेगा या नहीं। ड्रोन नहीं उड़ पाया क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है और जो ड्रोन की बैटरी का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लो। यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में जा चुका है
और कोई भी मेरे साथ नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे तो जूतों में भी बर्फ घुस गई है और सनसेट हो चुका है युल्लाकांडा पर। बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण हमारे सारे गैजेट्स की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और हम कुछ आगे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। आशा करते हैं कि आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा। वापस आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।